दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल चाट मसाला बनाने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने इतनी सारी ये तैयारी की है। तो मैं इन मसालों में से कुछ को गरम कर लूँगी और उसी वक्त एक-एक मसाले के बारे में आपको जानकारी भी दे दूँगी और इसकी क्वांटिटी भी बता दूँगी। बेहतर तो ये है कि आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें आपको परफेक्ट मेज़रमेंट दिख जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च लिया है। अब इसे हमें हल्का सा गरम कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा, इतना नहीं पका लेना है कि इसका रंग लाल हो जाए। तो अब ये गरम हो चुका है तो इसे हम ढाल लेते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम खाने वाला नमक, जो कि टेबल सॉल्ट कहलाता है, वो लेंगे और 2 टेबल स्पून हम पिंक सॉल्ट लेंगे। अब 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम साइट्रिक एसिड लेंगे। ये किसी भी दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है और यूँ समझे कि इस चाट मसाले की जान यही है। इसका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है और आम जबान में इसे हम लेमन का सत कहते हैं। अब 1 टेबल स्पून ही हम अमचूर पाउडर ले लेंगे और ये भी इस चाट मसाले का बहुत ही ख़ास हिस्सा है। अब इन सब चीज़ों को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म कर लेने से इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और मसाले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हम इस चाट मसाले में सौंफ या धनिया नहीं डालने वाले हैं। बहुत से लोगों को जिन्हें ये पसंद है वो डाल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि चाट मसाला बहुत ही डेंस और पाउडरी सा होता है, चिकना सा होता है। धनिया और सौंफ डालने से वो बहुत हस्की सा और बहुत ही रफ सा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने भुने हुए मसाले को इसमें डाल लेते हैं। अब इस चाट मसाले में हल्की सी स्पाइसीनेस और हल्का सा किक लाने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं, जो कि तीखा नहीं होता, और तीखे के लिए हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून मिर्च डाल रहे हैं। इसे भी हल्का सा गरम कर लेना है। 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डालेंगे। हींग भी इसका एक ख़ास मसाला है, साथ ही हींग भी इसके शेल्फ लाइफ को और बढ़ा देती है, तो हींग भी इसमें ज़रूर डालें, ये डाइजेशन में भी मदद करता है। चलिए ये भी हो चुका है गरम और हींग की बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है वरना मसाले का कलर बदल जाएगा। तो अब इसे भी हम अपने सारे बाकी के मसाले में मिला लेना लेते हैं। और अब यहाँ पर एक स्पेशल सी चीज़ डालना है, मिंट लीफ, वो भी इसमें बहुत अच्छा जाता है और उसके बगैर चाट मसाला अधूरा है, तो उसे भी हम डाल लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून मिंट लीफ है, क्रश्ड मिंट लीफ, ये हमारी मार्केट वाली है। अगर आपके पास फ्रेश मिंट लीफ को सुखाकर आपने पाउडर बनाया हुआ है तो वो सबसे बेहतर है। इसे मैंने ज़्यादा देर गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है और बाकी मसाले में मिला देना है। तो चलिए यहाँ हम अब पुदीना पाउडर भी मिला लेते हैं। तो अब इसे हम मिक्सी पॉट में बारीक पीस लेंगे और मैंने सारा मेज़रमेंट इस मेज़रिंग स्पून से किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने घर की सर्विंग स्पून और टी स्पून से काम चला सकते हैं। तो अब इसे बारीक पीस लेना है। मसाले को हमें पॉट में डाल लेना है।
हमारा ये बेहतरीन चाट मसाला बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन हमारा चाट मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इसका कलर या इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हस्की नहीं है, बिल्कुल डेंस है, और इसका कलर भी बिल्कुल मार्केट वाले चाट मसाले जैसा है। तो इसे आप बनाएं, खाएं और उसके बाद अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने बहुत इंजॉय किया होगा और ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। महीनों आप इसे फलों के ऊपर फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे ज़रूर बनाएं। इस बार आप इस चाट को, चाट मसाले को मेरी तरह से बनाएं, किसी भी चाट में या दही बड़े में इसे इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार बनेगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो पर फिर मुलाकात होगी आपका साथ बना रहा। तो उम्मीद है ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस में लाती रहूंगी, मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।